और चलिए अब बात करते हैं पीएफआई की। क्या पीएफआई के निशाने पर आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता थे? क्या इनके निशाने पर नागपुर का संघ मुख्यालय भी था? एटीएस सोर्सेस के हवाले से यह खबर सामने आई है, रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र एटीएस सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के निशाने पर नागपुर का संघ मुख्यालय था। टारगेट पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता भी थे। इसके लिए बकायदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दशहरा कार्यक्रम को लेकर जानकारी भी जुटाई गई थी। पीएफआई द्वारा राष्ट्र संघ और भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की हत्या का साजिश रचने का प्रयास, ये सिर्फ गंभीर नहीं देशद्रोही इस प्रकार का प्रयास है। मेरी मांग है केंद्र सरकार ने पीएफआई के ऊपर तुरंत पाबंदी डालनी चाहिए। मेरी दूसरी मांग है पीएफआई के जो वैचारिक अर्बन समर्थक है उनकी इस बारे में भूमिका क्या है। एल्गार परिषद के समय भी यही लोग थे जिन्होंने एक्यूज को निर्दोष साबित करने के लिए प्रयास किया था। जबकि ये तस्वीर पटियाला हाउस के एनआईए कोर्ट की है जहां पीएफआई से जुड़े आरोपियों को पेश किया गया। अदालत ने 22 सितंबर को सभी आरोपियों को एनआईए की 4 दिन की रिमांड पर भेजा था। आज रिमांड खत्म होने पर सभी को एक बार फिर पटियाला कोर्ट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में चल रहे आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ की टीम ने पीएफआई से जुड़े अब्दुल माजिद को गिरफ्तार किया है। माजिद के पास से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने पीएफआई से जुड़े अब्दुल माजिद को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने अब्दुल माजिद के खिलाफ ये कार्रवाई विभूति खंड बस अड्डे पर की और बस स्टॉप पर धर दबोचा। माजिद गुरुवार रात एनआईए की छापेमारी की भनक लगते ही घर से फरार हो गया था। इसके बाद से एसटीएफ लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। माजिद के पास से 3 मोबाइल फोन और पीएफआई से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी के पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पीएफआई और आईएसआई से जुड़ा आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ। खबर है कि अब्दुल माजिद शहर छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ की टीम ने उसे दबोच लिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अब्दुल माजिद पर एक कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधियों के संबंध में हुई है। आरोप है कि माजिद मुस्लिम युवाओं को भड़काकर पीएफआई का नेटवर्क बढ़ा रहा था। अब्दुल माजिद लखनऊ के इंदिरा नगर से गिरफ्तार किए गए पीएफआई नेता मोहम्मद वसीम का खासम खास बताया जा रहा है। मोहम्मद वसीम को हाल ही में एटीएस और एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया था। पीएफआई के यूपी अध्यक्ष वसीम अहमद ने स्वीकार किया था कि सामाजिक कार्य और शिक्षा के लिए दिए जाने वाले जकात और चंदे की रकम से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था।